तो मूवी की शुरुआत होती है एक रशियन जेल से, जहाँ काफी कैदियों के बीच एक बोहेमी नाम का कैदी रहता था, जो कि जेल को अपना दूसरा घर मानता, क्योंकि वो यहाँ पिछले 15 साल से एक मर्डर के केस के चलते बंद था। तभी हमें पता चला कि द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूसिंग इन द हार्ट ऑफ द मशीन। और दोस्तों, ये एक ट्रू स्टोरी है जो कि पक्का आपको कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाएगी, इसलिए वीडियो को लाइक करके बने रहिए। नाउ बैक टू स्टोरी, जहां जेल में इन सारे गार्ड्स का एक कैप्टन भी था, जो कि बिना बात के सभी कैदियों को खूब मारता। लेकिन अभी तक वो बोहेमी का कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि बोहेमी बाकी कैदियों की तरह नल्ला बेरोजगार या पोछा लगाने वाला नहीं था, बल्कि उसे काफी सारी मशीन चलानी आती थी, जिसकी वजह से उसका कॉन्टैक्ट जेल के वार्डन रोमन से भी हो गया। तब एक दिन रोमन ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। असल में वो चाहता था कि बोहेमी अपने प्रोडक्शन को डबल कर दे, क्योंकि रशिया की जेल में ज्यादातर कैदी काम करते हैं, ताकि इससे गवर्नमेंट को कम खर्चा पानी करना पड़े। इसलिए रोमन ने उसे ऑफर किया कि अगर तुमने हमारा प्रोडक्शन डबल कर दिया तो मैं तुम्हें पैरोल दिलवा दूंगा। तब बोहेमी बोला कि प्रोडक्शन तो डबल हो जाएगी, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ और लोग भी चाहिए होंगे, जिनमें से एक था उसका सबसे खतरनाक दोस्त एंजेलो। और खतरनाक इसलिए कि भाई साहब, जब एंजेलो खड़ा होता था ना, तो गार्ड्स की भी उसे देखकर लुप हो जाती थी। लेकिन उसके एक तगड़े किलर होने के साथ साथ उसमें एक अच्छी बात ये भी थी कि वो जानवरों से काफी प्यार करता था। इसलिए अगले दिन बोहेमी एंजेलो और अपनी टीम को लेकर फैक्ट्री जाने के लिए निकल गया, जहाँ इनकी टीम में इस गंजे ईगर को थोड़ा ज्यादा याद रखना, क्योंकि इसका दिमाग कुछ ज्यादा ही मोटा है। खैर, अब ये सब अपनी फैक्ट्री में पहुंचे, जहाँ कैप्टन अपने जूनियर गार्ड को समझाने लगा कि तुम उस ईगर से दूर रहना, क्योंकि उस संकी ने पहले एक बुढ़िया को मार के उसकी पोती के साथ जबरदस्ती की थी, इसलिए उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते। या अंदर इनका काम शुरू हुआ, जहाँ ईगर अपने असली रूप में आते हुए सबको छेड़ने लगा कि ओए लप्पू, ओए टूटन, ये वो, मतलब सबको छेड़ रहा था, जिसकी वजह से उसकी बोहेमी से दुपड़दू होती कि इतने में यहाँ कैप्टन आ गया, जो कि अपने साथ जूनियर को भी लाया, जिसने इन सब को चॉकलेट ऑफर करी, क्योंकि कल उसे एक बेबी बॉय हुआ था, इसलिए सब उसे बधाई देते हुए एक एक चॉकलेट लेने लगे। लेकिन हमारे सिग्मा ईगर ने बिना उसे बधाई दिए उसका पूरा चॉकलेट का डिब्बा ले लिया। तब ये सब देखकर कैप्टन जूनियर को फिर से समझाते हुए वापस बाहर लाया, जहां उनके जाने के बाद फिर से फैक्ट्री में काम शुरू हुआ ही था कि इतने में यहाँ कैप्टन फिर से पहुंचा, जिसने एंजेलो की तरफ इशारा किया कि ये खाली क्यों खड़ा है। असल में एंजेलो की मशीन में एक कबूतर था, जिसे वो मशीन चलाकर मारना नहीं चाहता। लेकिन दिक्कत ये भी थी कि ये सब मिलकर भी इस मशीन के पार्ट्स अलग नहीं कर सकते, इसलिए ये देखकर कैप्टन बोला कि मुझे नहीं पता, मशीन तो चलानी पड़ेगी। लेकिन एंजेलो ने मशीन नहीं चलाई, उल्टा जब जूनियर कैप्टन के कहने पर मशीन चलाने आगे आया, तो एंजेलो ने उसे चैन की मदद से अपनी तरफ खींच लिया। तब मौका देखकर ईगर ने भी कैप्टन पर हमला किया, जिससे कि कैप्टन के होश बेहोश हो गए। अब जब उसकी आंख खुली तो वो अपनी मेकअप करी हुई हालत में चैन से बंधा हुआ था, जहां वो बोला कि तुम लोग नहीं जानते, जल्दी यहाँ पेट्रोलिंग ऑफिसर आएंगे, जिनसे इस बार मैं तुम सबको डेथ पेनल्टी ही दिलवाऊंगा। तब ये सुनकर सारे कैदी बावली खेल गए कि इस ईगर और एंजेलो की वजह से हम सबकी लंका लग जाएगी। लेकिन तभी इनके लीडर बोहेमी ने सबको शांत करके दो ऑप्शन दिए कि या तो हम इस जूनियर और कैप्टन को मार दें, या फिर हम इन्हें छोड़कर शांति का प्रस्ताव रख सकते हैं। तब सब ने शांति का प्रस्ताव सही समझा, क्योंकि अगर इन्होंने गार्ड्स को मार भी दिया तो भी ये जेल में ही बंद रह जाएंगे। लेकिन इस बात पर ये टगलू ईगर एग्री नहीं हुआ
साथ ही एंजेलो को भी सिर्फ उस कबूतर की ही पड़ी थी कि मुझे नहीं पता, अगर तुम इस कबूतर को नहीं बचा पाए तो मैं इस जूनियर को मार दूंगा। और वो ऐसा क्यों कह रहा था ये हमें आगे पता चलेगा। तब कैप्टन एंजेलो का मजाक उड़ाने लगा कि वाह, जिस आदमी ने अपने पिता अपने भाई को नहीं छोड़ा, आज उसके लिए एक कबूतर की जान इतनी प्यारी हो गई। तब यह सुनकर एंजेलो कैप्टन को मारने भागा, लेकिन जैसे तैसे बाकी कैदियों ने उसे रोक लिया, लेकिन वो उन पेट्रोलिंग गार्ड्स को नहीं रोक पाए जो अपना काम करने यहाँ आए थे, जिनमें से एक गार्ड ने जब फैक्ट्री को बंद देखा, साथ ही जब उसमें से कुछ चिल्लाने की आवाज आई, तब वो इस बात की खबर अपने हेडक्वार्टर में देने लगा। तभी अंदर एक बूढ़े अंकल ने डिसाइड किया कि वो बाहर जाकर उस ऑफिसर को सारी सिचुएशन समझाएंगे। लेकिन उनके बाहर निकलते ही इस फट्टू ऑफिसर ने अपने डर के चक्कर में बूढ़े अंकल को ही खर्च कर दिया। तब ये देखकर सारे कैदियों को गुस्सा आया कि जब हमारे पास कोई हथियार है ही नहीं तो फिर इन्हें हमसे कैसा डर। खैर, तभी वहां जेल का वार्डन रोमन भी पहुंचा, जिसकी मुलाकात गवर्नमेंट के भेजे हुए कर्नल से हुई, जो कि अंदर बैठे कैदियों पर हमला करने का प्लान करने लगा। तब रोमन ने उसे मना किया कि पहले मैं अपने तरीके से इस मैटर को सॉल्व करना चाहता हूँ, जिसमें अगर मैं फेल हुआ तो तुम जो मर्जी कर लेना। तब ये सुनकर पहले तो कर्नल नहीं माना, लेकिन फिर रोमन ने उसकी बात हाई ऑफिशियल से कराई कि रोमन को कुछ टाइम दिया जाए ताकि वो उन कैदियों से बात करे, क्योंकि वो कैदी इस जेल के लिए हाई प्रोडक्शन करते हैं। तब ये सुनकर कर्नल उसे कुछ टाइम देने के लिए मान गया। दूसरी तरफ बोहेमी और बाकी कैदी अपना दिमाग चलाने लगे कि आखिर इस प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए, क्योंकि अगर इन्होंने सरेंडर किया तो एंजेलो उस जूनियर को मार देगा, क्योंकि वो जानता है सरेंडर होते ही कैप्टन अपनी ईगो में आकर उस कबूतर की जान ले लेगा। तब बोहेमी ने सरेंडर करने से मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अब बूढ़े अंकल के बाद किसी और की जान जाए। इसलिए उसने एंजेलो के साथ मिलकर उस मशीन को खोलने का प्लान किया, जिसमें कि एंजेलो ने अपने मोटे मोटे हाथों की पावर दिखाकर मशीन का कवर तो हटा दिया, लेकिन अभी इनके लिए ये ब्लैक कवर हटाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसके लिए इन्हें अलग से एक टूल बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। तब कैप्टन इनका मजाक उड़ाते हुए बोला कि तुम लोग इस मशीन को किसी रिपेयरिंग शॉप पर ले जाओ, जो सुनकर सारे कैदियों के मन में एक ही बात आई कि ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। खैर, तब एंजेलो ने बताया कि असल में उसे रोज एक सपना आता है, जिसमें कुछ पक्षियों से प्यार करने वाले लोग रोज उसे जिंदा दफना देते हैं, जहां सपने की कब्र में उसका दम घुटता रहता है, जैसे कि अभी इस कबूतर का घुट रहा होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कैसे भी करके इस कबूतर को बचाया जाए। तब ये सुनकर बोहेमी ने जूनियर से भी मदद मांगी, वैसे मदद नहीं धमकी थी कि अगर तुमने हमारी मदद नहीं करी तो तुम्हारा भी ठीक कैप्टन जैसा मेकअप कर दिया जाएगा। इसलिए जूनियर भी एक बार में उसकी बात या कहो धमकी मान गया, जहाँ ये सब मिलकर मशीन को तीनों दिशाओं से खोलने की कोशिश करने लगे। जिस बीच कर्नल अंदर बैठे कैदियों की फाइल पढ़ने लगा, ताकि उसे उन कैदियों की कमजोरी और स्ट्रेंथ का पता चल सके, क्योंकि वो श्योर था कि अगर कोई भी गार्ड मारा गया तो ये कैदी भी जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन रोमन को बोहेमी पर पूरा भरोसा था कि वो किसी भी गार्ड को नहीं मारेगा। या अंदर एक कैदी ने जूनियर को एंजेलो के बारे में बताया कि पहले एंजेलो काफी अच्छा इंसान था, लेकिन जब उसकी फैमिली ने उसे धोखा दिया, तब एंजेलो ने गुस्से में अपने भाई और फादर दोनों की आलू पूड़ी बांट दी, जिसके बाद ही उसे रशिया का सबसे खतरनाक किलर कहा गया। या रोमन बोहेमी से बात करने आगे आया, जहां वो बोला कि मैं चाहता हूँ तुम सब सरेंडर कर दो, जिसके बदले में तुम्हें कोई एक्स्ट्रा सजा नहीं दी जाएगी। तब बोहेमी ने उसे बताया कि हम यहाँ एक कबूतर की जान बचाना चाहते हैं, जिसके बारे में जब रोमन ने कैप्टन से चिल्लाकर पूछा तो कैप्टन ने झूठ बोल दिया
कि नहीं जी, यहाँ कोई कबूतर नहीं है, उल्टा ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तब ये सुनकर भी रोमन ने बोहिमी की बात पर विश्वास करते हुए उसे एक और घंटे का टाइम दिया, लेकिन अभी उसे कैप्टन भार चाहिए था जिससे कि बोहिमी की पैरोल पर कोई दिक्कत ना आए। तब ये सुनकर बाकी कैदी गुस्सा हो गए कि पैरोल का मौका सिर्फ बोहिमी को ही क्यों, जिस पर ईगर भी काफी गुस्सा करने लगा। लेकिन इस वक्त बोहिमी कुछ भी इशू खड़ा ना करते हुए कैप्टन को बाहर ले जाने लगा, पर जैसे ही उसने गेट खोला तभी कर्नल के सोल्जर्स ने बोहिमी पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें शुक्र है कि कैप्टन और बोहिमी दोनों जैसे तैसे बच गए। तब रोमन और कर्नल की तूतू मैमे हो गई, जहां कर्नल के गार्ड्स ने बीच में आकर रोमन को कंट्रोल में लिया, जिसके बाद कर्नल ने यहां अपनी आर्मी को बुलाना शुरू किया। दूसरी तरफ ये लोग दोबारा से उस कबूतर की जान बचाने का सोचने लगे, जहां सारे कैदी एंजेलो के अंदर की फीलिंग समझने लगे कि जैसे ये लोग इस जेल से भागना चाहते हैं, वैसे ही वो कबूतर भी इस जेल से जाना चाहता होगा। इसलिए ये लोग उस बेजुबान पक्षी की मदद करने में लग गए, क्योंकि वो बेचारा तो बिना किसी गलती के यहाँ फंसा हुआ है। तब ये सुनकर ईगर भी इनकी हेल्प करने आगे बढ़ा, क्योंकि उसका हाथ बाकी कैदियों के मुकाबले पतला था। तभी सब लोग अपनी अपनी विश बताने लगे कि हम लोग कैसे भी करके इस जेल से निकलना चाहते हैं, जबकि एंजेलो ने ये विश मांगी कि वो कैसे भी करके सिर्फ इस कबूतर को बचाना चाहता है। लाइक करो यार एंजेलो के लिए। तो खैर, अब जब कोई रास्ता नहीं मिला तो फिर बोहिमी ने कैप्टन से वेयर हाउस की चाबी मांगी, ताकि वो वहां से कोई औजार ला सके। लेकिन कैप्टन तो उल्टा उसे प्रवोक करने लगा कि बाहर आर्मी के जवान तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो कि एक बार में तुम लोगों की पुंगी बजा देंगे। तब बोहिमी अपने दिमाग को शांत रखकर उस वेयर हाउस में से एक फायर टूल ले आया, जिसमें कि आग की मदद से ये मशीन में होल कर सकते थे। जिसके बाद बोहिमी ने एंजेलो से पूछा कि अगर तुमने उस कबूतर को बचा लिया तो तुम्हें कैसा लगेगा। एंजेलो बोला कि असल में यहाँ जेल की चार दीवारी के बीच मैं एक जानवर बन चुका हूँ, इसलिए मैं उस कबूतर को बचा कर दोबारा से इंसानों की तरह अच्छा फील करना चाहता हूँ। तब यह सुनकर बोहिमी की आंख भर आई, जहाँ भार कर्नल अपने सोल्जर्स का जोश टेस्ट करने लगा, और दूसरी तरफ इन्हें वो फायर टूल चलाने ही नहीं आ रहा था, तो ये होल क्या खाक करेंगे। तभी कैप्टन बोला कि मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ, जो कहकर उसने इस मशीन में आग की मदद से एक होल बनाया, जिससे कि मशीन की तीनों दिशाएं खुल गईं। तब एंजेलो ने थोड़ा पानी मंगाया ताकि वो उस प्यारे से कबूतर के पंख धो सके, लेकिन इतने में यहाँ कैप्टन गन लेकर वापिस आया, जावन लोगों को गन पॉइंट पर लेकर उस कबूतर पर अपना सारा गुस्सा निकालता कि उससे पहले ही एंजेलो ने कैप्टन को हवा में लेकर उसे हवा में ही खर्च कर दिया, जिसके बाद सारे कैदी मिलकर उस बेचारे कबूतर की हेल्थ चेक करने लगे। लेकिन तभी इतने में यहाँ एक तगड़ा धमाका हुआ, जिससे कि एंट्री गेट खुलते ही सारे सोल्जर्स फैक्ट्री में घुस गए, जहाँ कर्नल ने अंदर घुसते ही कैदियों को नीचे झुकने के लिए कहा, लेकिन एंजेलो ने सबसे पहले उस कबूतर को उड़ा दिया, जो देखकर कर्नल ने अपनी ईगो में आकर एंजेलो पर तगड़ी वाली फायरिंग करवा दी, जिससे कि एंजेलो भी यही मारा गया। लेकिन वो ये देखकर खुश हुआ कि उसने उस कबूतर की जान बचा ली, और कबूतर को देखकर तो सिर्फ एंजेलो नहीं बल्कि सारे कैदी बहुत खुश हुए। तब कर्नल को गुस्सा आया कि अच्छा, हम यहाँ खड़े हैं और ये अपना नाचने में लग गए, इसलिए उसने तभी के तभी सारे सोल्जर्स को फायर करने के लिए कहा। लेकिन सोल्जर्स ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि वो जानते थे कि वो कैदी सिर्फ उस कबूतर की आजादी के लिए खुश हो रहे हैं। तब ये देखकर कर्नल उन्हें खुद शूट करता कि इतने में जूनियर ने उसे गन पॉइंट पर ले लिया कि जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है तो फालतू की चैचे मैमे मत करो अंकल जी। जिसके बाद इन सबको दोबारा जेल में डाल दिया गया, लेकिन जूनियर ने ये गवाही दे दी
कि एंजेलो ने हम सबको बंदी बना लिया था, इसलिए सारे कांड में ईगर, बोहेमी और बाकी किसी कैदी की कोई गलती नहीं है, जिससे कि इनमें से किसी कैदी को कोई अलग से पनिशमेंट नहीं मिली। और कुछ टाइम बाद रोमन ने अपना वादा पूरा करते हुए बोहेमी को पैरोल पर छोड़ दिया। और इसी के साथ इस साल की मेरी आखिरी वीडियो यहीं एंड होती है। और दोस्त, इस मूवी में हमने ये देखा कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं ना, तो उस टाइम की खुशी कुछ अलग ही होती है। जिसने कभी फील की होगी वो खुशी, वो जानता होगा कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो अंदर से कैसा फील आता है। और बाकी हाँ, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, कि ये नया साल आपकी सारी विशेष पूरी करें। और आपने नए साल के लिए क्या क्या रेजोल्यूशन लिया है कमेंट में जरूर बताना। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त। अब हम मिलेंगे शाउट आउट के साथ हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।